नमस्कार, नववर्ष 2023 की आपको ढेरों शुभकामना। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि के संपूर्ण राशिफल की। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, जो कि शनि का मित्र होता है। लेकिन यहीं दो परिवर्तन संपूर्ण वर्ष के अंदर होने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। वैसे तो सभी राशि वालों के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन कन्या राशि के पंचम भाव से छठे भाव के अंदर शनि गोचर करेंगे, यानी कि अपना ट्रांजिट जो है वो चेंज कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 को। लेकिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को होने जा रहा है। तो भाई, इस अप्रैल के राशि परिवर्तन को गुरु को लेकर हम आपको बता दें कि ये आपकी राशि से अष्टम भाव में आ जाएंगे और शनि जो हैं, जो आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, वो छठे भाव में आ जाएंगे। तो इस शनि का छठे भाव में आना आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करा देगा, नौकरी की, व्यापार की समस्याओं को खत्म करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि या लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर ये गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्याओं, गूढ़ ज्ञान को जरूर दिलाएगा। अपने आप को पहले से बेहतर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आपको देवगुरु की उपासना जरूर करनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी यदि आठवें भाव में गोचर करे तो लगभग इसके परिणाम में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति तो देवगुरु हैं, वो अपने मित्र की राशि, मेष राशि, अग्नि तत्व की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहां पर उनकी शुभता के लिए, उनके अच्छे परिणाम की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना है। केले के छोटे छोटे दो पौधे आप किसी धार्मिक स्थल, किसी पूजनीय स्थल पर आप लगाइए, उनकी कुछ समय तक देखभाल करिए, आपको फायदा होगा। और अपने माथे पर यदि शुद्ध केसर का तिलक करेंगे तो संपूर्ण वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा जरूर साबित होगा। अपने अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसे सर्वोत्तम साबित होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।